200 लोगों ने थामा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दामन। गढ़वा शहर के कचहरी रोड स्थित कार्यालय में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साकिर अंसारी ने की। इस बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साकिर अंसारी ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न पार्टियों के 200 लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उपस्थित सभी नेता कार्यकर्ताओं ने सर्वसहमति से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गढ़वा जिला अध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र कुमार रजक को चुना एवं तालियां बजाकर स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष साकिर अंसारी ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एमएन सिद्दीकी ने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उनके अलावा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख लोगों में मोहन भुइयां, कपिल देव भुइयां, विकास भुइयां, सुदामा कुमार रवि, पूरन भुइयां, दिलीप भुइयां, हरिराम, रामचंद्र साव, नौसाद खान, असगर खान, खुर्शीद खान, अशरफ अंसारी, सौरभ सिंह, गुड्डू मंसूरी, हुसैन मंसूरी, सद्दाम मंसूरी, विजय सिंह, राहुल खान, मेराज आलम, सुनील सिंह आदि के नाम शामिल हैं। मौके पर इफ्तिकार आलम, सकूर अंसारी, मुजाहिब अंसारी, डॉक्टर निजाम अंसारी, शमसाद आलम, शमशेर अंसारी, बबलू सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संख्या तो मतलब कि 100 से प्लस है। नाम लिख लीजिए, कपिल देव भैया, मोहन भैया, पूरन भैया, सबके नाम, प्रमुख लोगों का नाम लिखिए ना। कपिल देव भैया, मोहन भैया 150 से पार है सर, विकास भैया, सुदामा रवि, दिलीप कुमार क्या वो है सर, 150 प्लस है, 150 प्लस। कपिल देव भैया, मोहन भैया, पूरन भैया, पूरन भैया, विकास भैया। जी हाँ, बिल्कुल निस्संदेह आज का याचिका नहीं बल्कि तकरीबन 3 माह से पूरे झारखंड का दौरा, ये 2024 मिशन के तहत ये हमारा दौरे का शुभारंभ है। ये 3 महीने पूर्व से ही ये चल रहा है और ये लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव उन्हीं की तैयारी के, उसी चुनाव की तैयारी के संबंध में ही ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जन जन तक अपनी विचारधाराओं को पहुँचाना है, जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो मकसद हमारा मिशन है, उसको जन जन तक पहुँचाना है कार्यकर्ताओं के जरिए, कार्यक्रम के जरिए और हर प्रखंड में एक कार्यालय खोलकर।